ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत सारे जातकों को अपने इष्ट देव पता ही नहीं होता है। इष्ट का न पता होने से जीवन में कई सारी बाधाएं परेशानी आती है, क्योंकि ग्रहों की शांति के लिए हमें हमारे इष्ट देव का पता होना अनिवार्य है। इष्ट देव को पूजा अर्चना करने से 9 ग्रहों की शांति होती है। जो महादशा हमारे जीवन में खराब चल रही है वर्तमान, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, शादी विवाह, दाम्पत्य, कहीं भी कोई भी तकलीफ अगर होती है तो इष्ट उसे अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन जातकों की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे इष्ट देव क्या है, अभी तो हमें यह पता ही नहीं है। क्या हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वो हमारे इष्ट है भी कि नहीं है? तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट 2 मिनट की वीडियो में मिल जाएगा कि आपके इष्ट देव कौन है, कैसे पूजा करना है, क्या चीज़ आपको फॉलो करना है। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई जितनी सारी बाधा और परेशानियां हैं उनसे बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इष्ट की पूजा करने से अपने आप में सर्व सिद्धियां मिलती है और सभी जितनी सारी परेशानियां हैं, दुख, दारिद्र, इष्ट हर लेते हैं। आपको सबसे पहले यह जानना है कि आपके इष्ट देव कौन है। बहुत सारे जातक अपने बचपन से एक देव के प्रति विशेष लगाव होता होगा, जैसे बहुत सारे जातकों को भगवान भोलेनाथ से होता होगा, भगवान कृष्ण से होता होगा, भगवान गणेश से होता होगा, जिनके भी प्रति आपकी श्रद्धा बचपन से आपको वह हमेशा ललाहित करते हैं। हमेशा आपके मन में उनका ध्यान करने से, उनका विचार आने से बहुत ही अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है, तो वह आपका इष्ट है। सबसे पहला तरीका है इसे पहचानने का कि वह आपकी इष्ट है। अब जो मैंने बात बताई आप इससे पहचान गए होंगे कि आपके इष्ट देव कौन है, तो ज़रूर सबसे पहले कमेंट्स में आप बताएं कि आपके इष्ट देव कौन है। दूसरा प्रयोग है कि आपके पैतृक, जैसे पिता, हमारी जो कुल है वो किन देवताओं की इष्ट पूजा करते आ रहे, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, अपने इष्ट मान सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके इष्ट कौन है, ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ को अपने इष्ट माने, उनकी सेवा, पूजा अर्चना करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में जितनी सारी बाधाएं और परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।